ये रक्षाबंधन का दिन बहुत ही खास होता है क्योंकि भाई बहन का रिश्ता जो बचपन से शुरू होता है अंत तक रहता है। बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी इस बॉन्ड को सेलिब्रेट करते हैं, बट पता ही नहीं क्यों कुछ लोग इन रिश्तों को भूल जाते हैं। ये रही मेरी राखी, राखी का शो पीस, टिक्के वाले चावल, नहीं कैप्सूल वाले चावल एंड कैप्सूल टिक्का, मतलब कैप्सूल के अंदर सब बना के दिया है। तो अच्छा वही है, पैक विद देना कैप्सूल में। दौर के साथ सारी चीज़ें बदल जाती हैं। पहले कैसा होता था, अब कैसी कैसी पैकिंग हो गई है। तो पूजा जा बांध दो राखी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। मेरी बहनें इतनी सुस्त हो चुकी हैं कि वो राखी तो भेज देते हैं पर हर साल पूजा को ही मेरे को राखी हाँ बांधनी पड़ती है। मतलब मैं और वाइफ हूँ या बहन बना अब दी उसको मुझे, ज्ञान आदत पड़ गई है, हर चीज में बोलती है अरे के लिए भाई तो मैं ही बांधती हूँ ज्ञान वो। और तुम्हारी। अब उसको आदत पड़ गई मेरी बहनों को ऐसे कि वो मेरे को अरे भाई हाँ भाई बोलती रहती है, और ऐसे ना कुछ टाइम बाद हमारी शक्लें भी मिलना शुरू हो जाए जिस साल जिस तरह से वो हर साल मुझे राखी बांध रही है। सो चलो पूजा ज्ञान को प्लीज भी मैंने मान डू दी। दी ऑनर्स, पूजा बनाएगी क्योंकि बहन ने सिर्फ राखी भेज देती है, बहनें बनाने तो आती नहीं। तब तक मैं ये खोल लेता हूँ शोपीस। सोयरा बहुत ही सुंदर सा शोपीस, वुडन शोपीस। थैंक यू सो मच शेरी भेजने के लिए मुझे राखी, और राखी का गिफ्ट भी कह लो। बट ये कि तेरी वजह से मेरी बीवी हर साल मेरी बहन बनती है राखी वाले दिन। चलो खोल लो, अब तुम भी खोल लो। क्या से बताओ। लो ये भी खा लो, एक्चुअली मैंने सुबह हलवा भी बनाया था। यहाँ भी होगा वहां भी होगा, इसको हलवा इतना अब तो पसंद सारे जहाँ में होगा क्या पूजा का। पहले अबे पहले मुझे खिलाने यार, भाई को एक खिलाने दो यार, खाने खिलाने खिलाने ये ज्ञान सही बोलता है। ये रक्षाबंधन का दिन बहुत ही खास होता है क्योंकि भाई बहन का रिश्ता जो बचपन से शुरू होता है अंत तक रहता है। बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी इस बॉन्ड को सेलिब्रेट करते हैं, बट पता ही नहीं क्यों कुछ लोग इन रिश्तों को भूल जाते हैं। खास करके हमारे देश में जहाँ पे औरत एक गॉडेस की तरह भी जिनको पूजा जाता है, ये भूल जाते हैं कि उनके घर में भी एक औरत है जो बहन है, माँ है, किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है। और ऐसे लोगों की सोच की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से पूरे आदमियों के ऊपर उंगलियाँ उठती हैं, देश के ऊपर सवाल उठते हैं। जो अभी रिसेंटली कोलकाता में हुआ, दैट वाज रियली बैड, एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि हमारे देश में ये पहली बार हुआ है। पहले भी ऐसा हुआ है, प्रोटेस्ट होते हैं और उसके बाद फिर बैक टू नॉर्मल, सब साइलेंट हो जाते हैं। सो पहले मैंने सोचा था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा ऑन इंडिपेंडेंस डे, उसका भी एक रीज़न है, बट आई थॉट कि आई बेटर शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू ऑन रक्षाबंधन, जो एक बहुत ही एक पवित्र रिश्ता भाई बहन का। एंड एज अ भाई, एज अ ब्रदर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है अपने बहनों के प्रति, इवन समाज में जितने भी औरत हैं उनके के खिलाफ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आई शुड ऑल्सो रेज माई वॉइस। एंड इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज इस टॉपिक के बारे में बोलूँगा। जो भी कोलकाता में हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बट जब भी ऐसा होता है तो वो ये मर्दों के ऊपर सवाल उठता है, देश के ऊपर सवाल उठता है। एंड मैंने इस इंडिपेंडेंस पे नोट किया कि काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट किया कि ऐसी आज़ादी का क्या ही फ़ायदा जहाँ पे लड़कियाँ सेफ ही नहीं हैं। एंड मैं यहाँ पे किसी को जस्टिफाई करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, एवरी वन हैज़ देयर राइट टू प्रोटेस्ट। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी हमारे देश के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी इंडिपेंडेंस है उसका अलग महत्व है। प्रोटेस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इट्स अ ह्यूमन राइट, बट इट शुड बी मोर टूवर्ड्स आर गवर्नमेंट, नॉट जो हमने काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया नेगेटिव अबाउट कि ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा, जो मुझे लगा एक वे से गलत है। क्योंकि प्रोटेस्ट हमारा गवर्नमेंट के खिलाफ होना चाहिए, नॉट देश के खिलाफ। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने लड़कर संघर्ष कर कर हमारे देश को आज़ाद किया, और उन्हीं के प्रयास से हमारे को अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी मिली है। बट उस आज़ादी में एक जिम्मेवारी भी है, एकता, समानता और न्याय की, उन मूल्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद करवाया, बट हमारी सोच को आज़ाद कराने का जिम्मा
हम पर है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि जिन लोगों को आज़ादी से जीने का मतलब नहीं पता, हम उन्हें ये बताएं कि आज़ादी का मतलब ये सब गलत काम करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हमारे आसपास सबको वही अधिकार मिले, लड़का और लड़की में फर्क ना हो, लड़कियां अपने आप को सुरक्षित और आज़ाद महसूस कर सकें। इस रक्षाबंधन पर सिर्फ भाई बहन की सुरक्षा के रिश्ते को ही नहीं, बल्कि सभी महिलाओं और उनके सम्मान के प्रति उस कमिटमेंट को भी मनाएं। असली प्रोटेक्शन तब होती है जब वी स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां पर वो हर दिन सुरक्षित और एम्पावर्ड फील कर सकें। एंड विद दिस मैसेज मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूं, और आशा करता हूं कि अगर आपको मेरा ये छोटा सा मैसेज अच्छा लगा हो और आपकी या किसी और के लाइफ में थोड़ा डिफरेंस या अंडरस्टैंडिंग बना सकता है, देन प्लीज़ यू हैव ऑल द राइट्स टू शेयर इट। एंड मेरी तरफ से सभी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन, एंड फील फ्री, फील सेफ, एंड वी आर ऑल यूनाइटेड विद यू, ताकि हम ऐसा इंश्योर कर सकें कि जो हुआ है वो दोबारा रिपीट ना हो। टेक केयर, बाय। Thank you.